किसानों के ऐलान से डर गई मोदी सरकार। किसानों को रोकने का बनाया जा रहा है पूरा प्लान। सड़कों पर बिछा दिए गए कीले, सीमेंट की लगा दी गई बैरिकेडिंग। 13 फरवरी को दिल्ली कूच करेंगे किसान। किसानों ने एक बार फिर से हाथ में झंडा उठा लिया है। सरकार से जो बात हुई थी वो बेनतीजा हो रही है। मंत्री सुनने को तैयार नहीं है। सरकार चुनाव में व्यस्त होने का मन बना रही है, तो किसानों ने भी ठाना है कि सरकार को चेताना है, अगर नहीं मानी गई हमारी बात तो एक बार फिर से हमें सड़कों पर बैठ जाना है। किसानों की इसी बात से तो सरकार डरी हुई है। जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई जा रही है, सीमेंट की दीवारें खड़ी की जा रही हैं। इतना ही नहीं बल्कि सड़कों पर कीले बिछाई जा रही हैं। यह उन किसानों के लिए हो रहा है जो किसान इस धरती से सोना निकालते हैं, जो इस देश की अर्थव्यवस्था तय करते हैं, जो सबका पेट भरते हैं। आज उनके लिए सड़कों पर कीले बिछाई जा रही हैं। कीलों की जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, उन्हें देखकर ये लगता है कि ये सरकार आम जनमानस के लिए नहीं बनी है। जो आम जनता और खास तौर पर किसानों के लिए इस तरीके का षड्यंत्र रच रही है कि किसान दिल्ली ना पहुंच पाए, इसे लेकर रणविजय सिंह ने भी एक पोस्ट किया है। पोस्ट करते हुए लिखा है, किसान 13 फरवरी को दिल्ली आ रहे हैं। सरकार ने इस बात का ख्याल रखते हुए किसानों के रास्ते पर कीले बिछा दी हैं, बॉर्डर भी सील कर दिया है। हरियाणा की बीजेपी सरकार के आदेश पर कई जिलों में इंटरनेट बंद रहेगा। अच्छी बात है, सरकार को पिछली बार से ज्यादा क्रूर होना होगा। खाल उधेड़ दो इनकी, यानी सरकार की तरफ से पूरा प्लान है कि कुछ भी हो जाए किसान दिल्ली ना पहुंच पाए, क्योंकि अगर किसान दिल्ली पहुंच गए तो दिल्ली में बैठी सत्ता हिल जाएगी और जो माहौल तैयार किया गया है उस माहौल का बंटाधार हो जाएगा। कांग्रेस की तरफ से भी इसको लेकर ट्वीट किया गया है। कांग्रेस ने लिखा, तानाशाह फिर डर गया, मोदी सरकार के अन्याय से परेशान किसान दिल्ली आ रहे हैं। इस बात की भनक जैसे ही मोदी सरकार को लगी, किसानों के रास्ते पर कीले बिछा दी गई, पत्थर से रास्ता रोक दिया गया। बीजेपी सरकार ने हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया है। हमारे अन्नदाताओं के साथ अपराधियों जैसा सलूक किया जा रहा है। सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए, उनकी परेशानियों को दूर करना चाहिए, लेकिन अहंकार में चूर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार किसानों को दुश्मन मान बैठी है। तो किसानों से भय खा रही है बीजेपी, क्योंकि किसानों का वो एक आंदोलन देख चुकी है जिसमें किसानों ने मोदी सरकार को घुटनों पर ला दिया था। बाद में मोदी जी को आकर कहना पड़ा था कि हम लगता है कानून को सही तरीके से समझा नहीं पाए, इसलिए वापस लेते हैं। और ऐसे में जब लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है तो एक बार फिर से किसानों ने मोदी सरकार को याद दिलाने की कोशिश की है कि ये भारत देश है, ये देश कृषि प्रधान देश है, यहाँ किसानों की बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। यहाँ हमारी बात आपको सुननी पड़ेगी, हमारी मांगों को मानना पड़ेगा। लेकिन सरकार तो न जाने किस हठधर्मिता का प्रण लेकर बैठी हुई है कि वो किसानों को दिल्ली नहीं आने देना चाहती, चाहे इसके लिए सड़कों पर कीले बिछाई जाएं या दीवारें खड़ी क्यों ना की जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज़।